www.attabliq.com the reviver of iman alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu <laughs> wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu

बुजुर्गों और भाइयों माजज माए बहने और बेटिया शानु व वा मनवा ने कुरान शरीय दीन और पैगम्बर सल्लम की सारी बातें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है ये शरीय औरतों के लिए भी है ये शरियत जिनों के लिए भी है जन्नातों के लिए भी यही शरीयत है और जन्नात भी मुकलफ है उनको भी क़यामत के दिन अजाब और सवाब का बदला दिया जाएगा उनके अमाल पर सवाब मिलेगा उनके आमाल रज़ीला गुनाह, मासी पर उनको भी अजाब दिया जाएगा अजाब की शक्लें बहुत सारी है बहरहाल जो हदीस में आई है लेकिन जिन भी और जितने जिन्नात हैं वो भी मुक़ल्लफ़ हैं नबी अक्रमल वसल्लम ने जैसे मर्दों का अज्मा किया और मर्दों को जमा करके हजरत बातेंद फरमाते थे इसी तरह जन्नातों को भी जमा करते थे और जन्नतों को जमा करके हजूर पाकम ने बहुत कुछ बातें जिक्र फरमाई करीब जन्नातों में हजूर पाक सल्लम के छः इस्तेमत हुए यानी छ मरतबा सारे जन्नतों को नबी अलैहिस्सलाम ने जमा किया और जमा करके अल्लाह की तोहिद और अपनी रिसालत की दावत दी अब्दुल्लाह अबन मसूद रजी अल्लाह रावी है एक हदीस शरीफ में तो अब्दुल्लाह अब्न मसूद फरमाते हैं कि रात में हजूर पाक स रात में चला एक बहुत दूर चले गए एक जगह मुझे बिठा दिया और ये कहा कि यहां से न हतना एक दायरा बना करके मुझे बिठा दिया और कहा से ना हटना मैं जाकर के आ रहा हूं। फिर हजरत बहुत दूर तशरीफ ले गए उसके बाद जब वापस तशरीफ लाए बहुत देर के बाद तो इब्न मसूद कहते हैं कि हजरत मैंने सुना आप किसी से बातें कर रहे थे रात के अंधेरे में यहां कौन फरमाया तूने आवाज सुनी का जी फरमाया वो सब जिन थे और मैं उनको दीन की दावत दे रहा था और वो दीन के लिए आए हुए थे ये तिरमिदी शरीफ की रिवायत है बहरहाल जिनों के अंदर भी इस्तेमात हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के और आपने उनमें भी तबलीग फरमाई एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने सुर रहमान साहबा के सामने पढ़ी तो हजरात साहबा खामोशी के साथ सुनते रहे जैसे हम सुनते हैं तो खामोशी के साथ सुनते रहे तो हजूर पाक से आजम ने फरमाया तुमसे अच्छे तो जन्नात थे कि मैंने उनके अंदर जब सूर रहमान पढ़ी और जब मैं ये पढ़ता था कि फबी अय्या आला ए रब को ए इंसानों और ए जिन्ना तो यहां दोनों को है ए इंसानों और ए जिन्ना तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुतलाओगे तो हर आयत पर फबी अय्या आला रब को मातुकद देबान में पढ़ता था तो हर आयत पर जिन्नात यूं कहते थे ला नुक़द या रब बना ने का ला नुक़द जब कया रब बनाने मत ए अल्लाह हम तेरी नेमतों को नहीं झुतलाएंगे हम तेरी नेमतों को नहीं झुतलाएंगे तो तुमसे अच्छे तो जिन्नात थे कि मेरा जवाब देते जा रहे थे तुम तो खामोश बैठे रहते हो और यकीनन हमारा मसला यही है कि यहाँ कोई सूरह रहमान पढ़े तो जी 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 हम करते रहते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस ये बोलते हैं हालांकि हमें वहाँ जवाब देना है और वो जवाब ये देना है कि का बना नेमत ना हम तेरी नेमतों को नहीं जुतलाएंगे यानी यकीनन हम तेरी नेमतों के शुक्रगुजार हैं कि तूने हमको इतनी सारी नेमतें अता फरमाई इससे एक बात यह भी मालूम हुई कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों पर अपनी न्यामतों से नवाजा है इसी तरह जन्नातों पर भी न्यामतें अल्लाह ती है तो ताला ने उनको भी न्यामतों से माला माल फरमाया है एक मरतबा अबूदाउ शरीफ की रिवायत है कि जन्नात हजूर पाक सासम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि किस आप अपनी उम्मत से फरमाइए कि ये हद्दियों से इसजा न करें हद्दिया यानी बौन बौन से इसतंजा न करें इसलिए कि यह हमारी खुराक है जब मुसलमान जो है बिसमिल्ला पढ़ करके खाना खाता है और हद्दी के ऊपर से गोश्त खा जाता है और बौन बाकी रह जाती है और बौन को फेंक दिया जाता है तो फरमाया कि जब बोन को फेंक दिया जाता है हद्दी को फेंक दिया जाता है और जिन की जिन्नात की जब उस पर नजर पड़ती है तो मोमिन के खाए हुए हद्दी पर उसकी नज़र पड़ने की वजह से अल्लाह उस पर दोबारा गोश्त ले आता है तो फरमाया कि यह हद्दियाँ तो हमारा खुराक है आप इनसे कहिए आपके इन आप इंसानों इन को कि यह हद्दियों से इस तंजा न करे तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जिन्नातों पर भी बड़ा एहसान फरमाया है और आ, उनको एक एहसान उन पर यह भी फरमाया है कि उनकी उम्रें बड़ी होती है उनकी उम्रें बड़ी लंबी लंबी होती है सात सौ साल आठ सौ साल नौ सौ साल बड़ी लंबी लंबी उम्रें हजार साल इतनी लंबी तो उनकी उम्र हुआ करती है एक रिवाय एक बुजुर्ग का वाक है कि रात में आ, मुगलिया सल्तनत का ज़माना था तो जब वो वो हिंदुस्तान था पूरा दुनिया का जब सारे ममालिक एक थे तो उस मौके पर रात में बुजुर्ग को पुलिस बुलाने के लिए आई कि बादशाह सलामत आपको बुला रहे तो वो बुजुर्ग ये समझे कि कोई मसले की जरूरत पेश आई होगी इसलिए मुझे बुलाया तो वो रात में गए तो उनको तहखाने में ले गए बिल्कुल नीचे ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा मैदान था बहुत बड़ा मैदान और लंबे-लंबे लोग थे और स्टेज कायम था और उसके ऊपर एक जनाजा रखा हुआ था और इनको ले गए वो जब वहाँ पहुँचे तो समझ गए कि तो सब जिन हैं और जिन्ना थे यहाँ तो तो बहरहाल वहाँ जब ले गए तो स्टेज पर उनको हाजिर किया गया और उनसे मसला पूछा गया और मसला ये पूछा कि ये बताइए कि जो है अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो इस्लाम में उसकी सजा क्या है तो उन्होंने बताया कि कोई किसी को अगर कत्ल कर दे और इस्लामी कवानीन हो इस्लामी मुल्क हो तो इस सूरत में उसके बदले में उसको भी कत्ल कर दिया जाता है ये किसास का मसला है तो कहा कि अच्छा तुमने बादशाह के बेटे को कत्ल किया है बुजुर्ग को कहा कि तुमने बादशाह के बेटे को कत्ल किया कहा मैंने तो किसी को कतल नहीं किया कहा अभी तुम जब तुम्हारे घर में थे तो एक सांप का बच्चा आया था वो असल में बादशाह का बेटा था और वो जियारत के लिए आया था तुम्हारे दीदार के लिए आया था तुम्हें देखने के लिए आया था तुमने उसको मार दिया है तो कहा मैंने सांप के बच्चे को तो मारा लेकिन वो तो सांप का बच्चा था मुझे क्या पता बहरहाल मैंने सांप समझ करके उसको मार दिया कहा नहीं वो जो है बच्चा था वो बादशाह का बच्चा था और वो तुम्हारी जियारत और दीदार के लिए आया था बहरहाल उस पर बहस चली बहस चली बहस चली बड़ी लंबी बहस चली दोनों तरफ से दलाइल चले जैसे हमारी कोर्टों में बहस चलती है तो उस पर बहस चली तो अखीर में एक जिन खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि समी तो रसूल अल्लाह सल्लम मैं सहाबी हूं फरमाया मैंने हुजूर को देखा है मैंने हुजूर की मजलिस में मैं ईमान लाया हूं और मैंने आप्लम से सुना है कि जो अपना लिबास बदल करके जाए और अपनी हकीकत बदल करके जाए और कोई उसको पहचान न सके और उसको मार दे तो इस सूरत में कोई दम नहीं होता कोई किसास नहीं कोई कत्ल नहीं यह हदीस मैंने हुजूर अलैहि वसल्लम से सुनी है खैर बुजुर्ग को तो माफ़ कर दिया गया इस हदीस पर लेकिन वो बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि मुझे अपने कत्ल का इतना खौफ नहीं था जितना कि एक सहाबी की मुलाकात से मुझे खुशी हुई कि एक एक सहाबी से मुलाकात हो गई मेरी इस जमाने के अंदर यानी करीबन 1100 साल के बाद जो हैं वो सहाबी रजी अल्लाह तु से मुलाकात हो गई तो बहरहाल खैर ये लंबी बातें हैं मुझे तो सिर्फ इस वक्त चूंकि हमारी माएँ और बहने जमा हैं तो कुरने करीम और शरीयत जो है और अल्लाह के हबीबल वसम की बातें जो हैं वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है वो जन्तों के लिए भी हैं वो भी मुकलफ़ है उनको भी शरीयत में मुकलब बनाया गया उनको भी ऐसे ही नमाज पढ़ना है उनको भी ऐसे ही रोज़े रखना है उनको भी ऐसे ही जक़ात देना है उनको भी ऐसे ही हज करना है उनको भी ऐसे ही उम्र करना है उनको भी ईमान लाना है उनको भी महम्मदरसोल्ला वसम की रिसालत का इकरार करना है उनको भी अल्लाह की तोहिद का इकरार करना है उनको शिरक से मना किया गया उनको जितने गुनाह में मना किया गया इतने गुनाहों से उनको भी मना किया गया है उनको ले दे ले दे हराम खाने से मना किया गया जितने मसाइल हमारे हैं उतने ही मसाइल हक आला शाह नू ने जन्नातों को भी दिए हैं तो जिन्नात भी मुकलफ़ है इंसान भी मुकल्लफ है फिर इंसान के अंदर मर्द भी मुकल्लफ है औरत भी मुकल्लफ है मर्दों को भी शरीयत दी गई औरतों को भी शरीयत दी गई है थोड़े से कुछ मसाइल में फर्क हुआ करता है बाकी मुकम्मल शरीयत मर्दों के लिए भी है मुकम्मल शरीयत औरतों के लिए भी है मर्दों को ईमान लाना है औरतों को भी ईमान लाना है मर्दों को नमाज पढ़ना है औरतों को भी नमाज पढ़ना है मर्दों को रोजा और जकवात और हज वगैरह के मसाइल हैं औरतों को भी रोजा जक़त और हज के मिसाइल है तो सारे मसाइल जो हैं वो मर्दों के लिए भी है औरतों के लिए भी है कुरान करीम में शाह ने लेकिन खिताब जो है वह हमेशा मर्दों को किया कुरान हमेशा मर्दों को खिताब करता है औरत को उसके जिम्न में ले लेता है यानी जो हुक्म मर्दों का है वो हुक्म औरतों का है अलबत् जो मसायल कुछ कुछ खास मसाइल है उसमें औरतों को अलग खिताब किया गया है जैसे मतली पीरियड की अयाम है या इस तरह के उनके जो मखसूस मसाइल है उसमें औरतों को खास खिताब किया गया इसी तरह कुछ मसाइल और भी है जिसमें मर्दों को अलाहिदा औरतों को अलाहिदा सारे गुनाह में तो मसला यही है कि सब मर्दों को खिताब है और औरतों को उसके अंदर दाखिल कर लिया लेकिन कुछ गुनाह बड़े अहम है उन गुनाहों के अंदर एक गुनाह है किसी की मजाक न उड़ाओ किसी को हकीर मत समझो यादीन आमन लायस्कर कौम मिन कौमिन असा अकून खैरम मिन हो ऐमान वालो लाएसखर किसी की मजाक न उड़ाओ हो सकता है कि वो अल्लाह के नजदीक तुमसे ज्यादा मकबूल हो मुझे नहीं पता है मैं आपकी दारी देखकर आपके जाहिर को देखकर आपकी गरीबी को देखकर आपकी मजाक हालांकि मुझे नहीं मालूम कि आपका अल्लाह के साथ क्या कनेक्शन है आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ क्या है अल्लाह के आप कितने मकबूल बंदे लायस कर कौमिन कौमिन असाइया को नैर अच्छा ये या लदीना मनु में मर्द के साथ औरत भी तो आ गई थी जैसे और जगहों पर है लेकिन यहां स्पेशल औरत को अलग बयान किया वला मिन असा वसा कुन्ना खै रमिन हु कोई निसा औरत कोई औरत किसी औरत की मजाक न उड़े हो सकता है कि जिसकी तू मजाक उड़ा रही है उसका मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा होगा औरतों का मिजाज है हकीर समझना बहुत सी मरतबा औरतें जो हैं दूसरी औरत को हकीर समझती है बहुत सी मरतबा औरतों का मिजाज और भी है वो ये है कि कोई हदिया देता है तो वो उसको मामूली समझती है कि इसने क्या दिया ये तो दो सौ रुपये वाला है ये तो सौ रुपये वाला है औरतों का मिजाज है कि हकीर समझना इसीलिए हजूर पाक साहब ने फरमाया औरतों को खिताब करते हुए हदिये के बाद में भी हजरत ने फरमाया बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि औरतों को चाहिए कि अगर कोई तुमको हदिया पेश करे तो तुम मोहब्बत से उसको कबूल कर लो वलो फिर सन चाहे वो बकरी के पाँव का खुर क्यों ना हो यानी ये नीचे का हिस्सा जो बकरी के पाँव के नीचे होता है लेम के पाँव के नीचे जो होता है अब वो मामूली दर्जे ये चीज है फरमाया हजरत इसकी मिसाल देकर के ये बताते हैं कि किसी के हदिये को हकीर नहीं समझना चाहिए चाहे वो छोटा हदिया हो एक मरतबा एक औरत एक एक अबा बना करके लेकर आई अबा मिसला जो पहनते हैं ना हमारे वहाँ जुब्बा पहनते उस जमाने में अबा पहनते थे चादर औरते थे तो वो अबा और उसकी झालर जो थी उसकी डिजाइन जो थी वो अपने हाथों से उस औरत ने बनाई थी और बना करके लेकर के, ले कर के आई और हजरत को पेश किया तो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत ने यूं झुक कर कबूल फरमायाक करके कबूल किया इसमें उम्मत को तालीम दी कि किसी के हदये को मामूली न समझा जाए उसकी मोहब्बत की कदर की जाए कि वो मोहब्बत से दे रहा है हमको उसकी मोहब्बत की कदर की जाए बहरहाल तो बताने का मकसद यह है कि वला नमिन नसा अय कुन्ना खैर अमिन उन्ना कोई औरत किसी औरत की मजाक न उड़े हो सकता है कि जिस औरत की तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के नजदीक बहुत आला दर्जे की हो उसका ताल्लुक अल्लाह से बहुत हो हमें नहीं पता है ये एक जगह पर मर्द के साथ औरतों को अलाहिदा बयान किया मर्द को अलग औरतों को अलग क्योंकि मसला बहुत अहम था तो स्पेशल औरतों को अलग बयान किया एक दूसरी जगह है कुरान करीम के अंदर जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मर्दो तुम्हें चाहिए कि अपनी निगाहों को झुका कर रखो यानी रास्ते में चलते हुए अपनी निगाहों को झुका लिया करो यहां इधर उधर न देखा करो यहां मर्दों को जब अल्लाह कह रहा है तो औरतें भी तो आ गई थी कि औरतें भी अपनी निगाहों को झुका लिया करें लेकिन औरतों को स्पेशल अलग बयान किया और फरमाया कि औरतों को भी चाहिए कि वो भी अपनी निगाहों को झुका करके चला करें वो भी इधर उधर न देखा करें तो क्यों इसलिए कि यह मसला अहम था इस बुनियाद पर यहां स्पेशल औरतों को लाहिदा बयान किया गया तो कुरान में कुछ जगह हैं उन जगहों पर मर्दों को अलग और औरतों को अलग बयान किया गया वरना उमून कुरान का मिजाज ये रहा है कि मर्दों को कहता है और मर्दों के जिम्न में औरतों को भी ले लेता है यानी मर्दों को मसला बताया औरतों को भी चाहिए कि उस पर अमल कर लें जैसे मैंने अभी आयत पढ़ी मैया अमल मिनसवाले हाथ जो भी नेक अमल करेगा मैं अमल मिनसवाले मिन मिनजा औ औसा वो मेल हो या फीमेल हो मिनज औ और वो मेल हो या फीमेल हो मैया अमल मिनसवाल मिन मिनज औ और वह वह मोमिन शर्त यह है कि ईमान होना चाहिए ईमान के बगैर तो कोई अमल कबूल होता ही नहीं बहुत से लोग कहते हैं कि फला ईसाई रोजे रखते हैं फलां ईसाई रोजे रखते हैं फला रोजे रखते हैं इन रोजों से कुछ नहीं होगा जब तक कि अल्लाह के ताइल ना हो मैं अमल बिनिहात बिन जकर अमिन फला हयातन तय्यबा अल्लाह कहता है वो मर्द हो तो भी वो औरत हो तो भी हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे खूबसूरत जिंदगी अता करेंगे बजो ने इसका तर्जमा किया नेक जिंदगी अता करेंगी बजों ने इसका तर्जमा किया विलायत अता करेंगी जो भी नेक अमल करेगा मालूम होता है विलायत ये वली ही वली सिर्फ मर्द ही नहीं बन सकता है औरत भी वली डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू डॉट कॉम नुब्वत खास मर्दों ही में हो सकती है औरत नबी या नहीं बन सकती है लेकिन विलायत जो है वो मर्दों के साथ खास नहीं है औरत भी वलिया बन सकती है ताल वलिया है अजवाद मतहरा सारी वलिया है साहब किराम की बीविया वलिया है राबिया बसरिया वलिया है राबिया अदविया वलिया है कितनी औरतें गुजरी है अल्लाह जिनको विलायत से नवाज़ा राबिया बसरिया के बाद में लिखा है कि रात भर इबादत करती थी और सुबह शादी के मौके पर जब दुआ करती थी तो अल्लाह से यू कहती थी अल्लाह तुझे बातें तुझसे बातें करने के लिए रात छोटी हो गई आखिर आखिर रात पूरी रात इबादत करती थी और कहती थी कि सुबह में कि तुझसे बातें करने के लिए रात छोटी हो गई हम सोते रहते हैं और दस मिनट हमारी नमाज होती है और दो चार मिनट हम दुआ करते हैं बस हो गया ये ये हमारा मिजाज है फरमाया रात भर दुआ करती थी और नमाजें पढ़ती थी और आखिर में कहती थी कि अल्लाह तुझसे बातें करने के लिए रात छोटी हो गई ये औरतों का मिजाज था उस जमाने में ये औरतों की दीनदारी तकवा वरा और परहेज़गारी हज़रत परहेजगारीजाजिब ने यूसुफ ने एक एक लड़के को पकड़ा और बड़ा जालिम था एक लड़के को पकड़ा और कैदखाने में डाल दिया फिर कुछ दिनों के बाद उसको रिहा कर दिया छोड़ दिया तो उसकी मां ने एक बात कही आप देखें उसकी मां ने क्या कहा यहां तो हफ्फाज है नहीं वरना बता था उसकी मां ने यह कहा कि मेरे बेटे को अगर तू कत्ल करता यानी हजा को कहा कि अगर मेरे बेटे को यह कत्ल करता तो अल्लाह इसको ऐसे मिता देता जैसे पहले पंद्रह पारों के अंदर से अल्लाह ने कल्ला को मिटाया है क्या मतलब निकला यानी उस औरत को कुरान इतना याद था कि पहले पंद्रह पारे में कल्ला नहीं है आज हाफिजों को पूछो तो पता नहीं होता है साहब आपको पूछो कि पहले पंद्रह पारे में कल्ला है या नहीं तो हमें नहीं मालूम उस औरत को कुरान इतना याद था कि उसने कहा कि अगर मेरे बेटे को कत्ल करता तो अल्लाह तुझे ऐसे मिटा देता जैसे पहले पंद्रह पारों के अंदर से कल्ला को अल्लाह ने निकाल दिया है बाकी पंद्रह पारों में है कल्ला शुरू के पंद्रह पारों में नहीं है तो उस जमाने की औरतें भी जो हैं पढ़ी लिखी और क़ुरान करीम की तिलावत करने वाली हाफिजा जाहिदा तकवा वरा परहेजगारी ये सारी बातें थी आज दुनिया के फैशन ने और दुनिया की अयाशियों ने और दुनिया की बदमाशियों ने और दुनिया की इन तहजीबों ने हमारी औरतों को अपने घर से निकाल करके दूसरों के हवाले कर दिया नाम दे दिया फ्रीडम नाम बड़ा अच्छा दिया है कि औरतों को गुलाम बनाया है इस्लाम ने औरतों को गुलाम बनाया है इस्लाम ने कोई गुलाम नहीं शरीयत के ताबे चलना हम ये कहते हैं कि तुम एक एक तरफ कहते हो कि फ्रीडम तो तुमने भी तो गुलाम बनाया है सारे लोगों को कि तुम्हारे खिलाफ जर्रा बराबर करेंगे तुम मार देंगे सजा देंगे फला करेंगे फला करेंगे तो सभी को तो गुलाम बना कर रखा है तो इस्लाम की तहत चलना यह गुलामी नहीं है शरीयत के तहत में चलना वो लिबास हम पहने जिसकी वजह से हमारा सतर परायों को नजर ना आए वो लिबास हम पहने जिसकी वजह से हमारे पाँव का कोई हिस्सा परायों को नजर ना आए वो 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 कपड़ा पहने जिसकी वजह से कपड़ा बहुत टाइट ना हो वरना लोगों को दावत देने का जरिया बन जाएगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कासियत दुनिया फिल आखिर बुखारी शरीफ की रिवायत है बहुत सारी औरतें जो दुनिया में नंगी है वह बहुत सारी औरतें जो दुनिया में कपड़े पहनी हुई है लेकिन अल्लाह कयामत के दिन जन्नत के लिबास से महरूम कर देगा जन्नत के लिबास से अल्लाह ताला महरूम कर देगा क्या मतलब जन्नत के लिबास से महरूम करने का जन्नत के लिबास से महरूम करने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जिन औरतों ने टाइट कपड़े पहने तो कपड़े पहनने के बावजूद बदन नजर आ रहा है या जिसने बारीक कपड़े पहने बहुत पतले कपड़े पहने तो कपड़े पहनने के बावजूद बदन नजर आ रहा है अल्लाह ताला उनको कयामत के दिन जो है जन्नत के लिबास से महरूम कर देगा कितनी शर्मिंदगी होगी जब अल्लाह ताला जन्नत के लिबास से महरूम करेगा है? अभी दुनिया में किसी को सिर्फ एक पाँच मिनट के लिए कपड़े उतार दिए जाए तो आ, कितनी ज़िल्लती होती है तो कयामत के दिन अल्लाह बिल्कुल महरूम करेगा और एक मतलब सदी शरीफ का ये बयान किया गया अलैहि वसल्लम के इस फरमोद का कि हजरत ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि जो जो औरतें शॉर्ट कपड़े पहनती हैं परायों के सामने अपने घर का मसला तो ठीक है इसलिए कि घर के अंदर तो शोहर होता है तो लेकिन परायों के सामने इतने शॉर्ट कपड़े पहने हैं जिसकी वजह से बदन नजर आता है इसलिए कि औरत का सतर जो है वो बाल से लेकर नीचे तखनों तक है सिवाय नीचे का पांव का हिस्सा और ये दोनों हथेलियां और ये और ये चेहरा ये तीनों सतर में नहीं है बाकी बाल से लेकर नीचे तखनों तक का पूरा हिस्सा जो है वो उसका सतर है इसीलिए नमाज में अगर इसमें से कोई हिस्सा खुल जाता है तो नमाज़ नहीं होती बाल खुल गए नमाज़ नहीं होगी औरत की क्योंकि ये सतर है और सतर के खुलने से नमाज़ नहीं होती है तो बहरहाल औरतों को चाहिए कि फ्रीडम की वजह से हम अपने नबी असलात वाम को न छोड़े अपनी शरीय मतहरा को ना छोड़े अपनी पाकिज़ा शरीयत को ना छोड़े बल्कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हमारी इफ़त और इस्मत की हिफाजत है हमारी इज्जत की हिफाजत है जो नबी करीम ने जो मसाइल दिए हैं जो बातें बयान फरमाई है उसमें हमारी जिंदगी के लिए बहुत पाकिजगी है्फत वत है हजूर पाक सासम ने इशात फरमाया मशिक शरीफ की रिवायत है कि अगर कोई मर्द जो है वो पराई औरत का बचा हुआ पानी कोई और, मर्द किसी औरत ने वजू किया था गुसल किया था वो पानी बच गया है और दूसरा पानी मौजूद है दूसरा पानी है हमारे पास तो पराई औरत का अपनी औरत का मसला नहीं अपनी मां का भी नहीं अपने घर के पराई औरत का बचा हुआ पानी कोई मर्द अपने वजू और गुसल में इस्तेमाल ना करे नया पानी ले, ले। इसको इस्तेमाल ना करें इसी तरह मिशका शरीफ की रिवायत में है कि कोई औरत अगर और पानी मौजूद है तो पराय मर्द का बचा हुआ पानी से वजोर गुसल ना करे कर लेगी हो जाएगा हम भी कर लेंगे हो जाएगा इसलिए कि वह पानी पाक है हो जाएगा एहतियात बताया कि और पानी मौजूद हो जाएगा याद रखना वजू और गुसल हो जाता है लेकिन एहतियात यह बताया कि और पानी मौजूद है तो ना करें क्यों आखिर नबी क्यों मना फरमा रहे हैं? जब पानी पाक है वजू हो जाता है गुसल हो जाता है तुम इसराब से भी हमको मना कर रहे हो तो फिर इसमें क्या बात हो गई वजूर पाक सासम के कहने का मनशा यह है कि भाई अगर तुमने उससे वजू या गुसल किया और हो सकता है वजू या गुसल करते करते हमारा जहन पराई औरत की तरफ चला गया या उस औरत का जहन पराए मर्द की तरफ चला गया तो जहनी जिना में मुबतला हो जाएंगे हमारी शरीयत जो है वो बचाना चाह रही है बहुत इफ्फत इस्मत पाक, दामनी बच, हमें देना चाह रही है कैसी प्यारी शरीयत अल्लाह ताला ने हमको दे रखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुकद्दस शरीयत दे रखी है कितनी पाकिज़ा शरीयत हमें दे रखी है ये वक्त नहीं है वरना मैं इस इस पर बहुत मसाइल को खोलता कि अख्तिलानू ने औरतों को जो मकाम दिया है ना नबी अलीसम के जरिए से ऐसा मकाम किसी मजहब में नहीं मिलेगा हमारी शरीयत में औरतों को जो मकाम दिया अब बताइए किसी शरीयत में जाकर के देख लीजिए मीरास का मसला औरतों के लिए नहीं होगा जो इस्लाम ने दिया इस्लाम ने जो दिया है वो वो मीरास का मसला कि ये माँ है तो भी मिलेगा ये बीवी है तो भी मिलेगा बीवी को शोहर से मिलेगा माँ को औलाद से मिलेगा तो शरीयत मुतहरा ने मीरास में भी औरत का हक रखा और इसी तरह बहन का हक रखा फिर इनके फजाइल और मनािब बयान किए गए इतने फजाइल और मनािब बयान किए कि हज़त आयशा फरमाती बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि यारसोल्ला एक औरत मेरे पास आई थी और उसने मुझसे खाना मांगा बेचारी भूखी थी तो मेरे पास भी कुछ नहीं था एक खजूर का दाना था ये मैं किसके घर की बात कर रहा हूँ जो सरकार दो आलम है और हमारे वहाँ इतनी फ्रावानी होती है लेकिन फूती किस्मत हमारी कि हम शुक्र नहीं करते नबी के घराने की बात है कि हजरत आयशा ने फरमाया कुछ नहीं था यारस एक खजूर का दाना था मैंने उठा करके उस गरीब को दे दिया तो उसने खुद नहीं खाया उसके दो टुकड़े किए उसके साथ दो बेटियां थी तो एक टुकड़ा उसको दिया एक टुकड़ा इस बेटी को दे दिया तो अल्लाह के हबीब पाक सासम ने जब यह वाकया सुना तो फरमाया आयशा तुम सुनो जो बेतियों की वजह से हालात में आए इब्तला में आए चूंकि दुनिया में बेतों से ज्यादा बेतियों की फिक्र ज्यादा हुआ करती है निकाह के बाद में भी और मसाइल के बाद में भी तो बेतियों की फिक्र फिर बेटियों के निकाह के बाद भी अगर सही आदमी मिला है तो ठीक है वरना एक मुस्तकिल फिर परेशानियां होती है फिर कभी तलाक हो जाती है तो बेटियों को अपने घर पर लाना फिर दूसरे निकाह के मसाइल हल नहीं हो रहे तो बाप पर जो गुजरती है ना वो बाप ही जानता है उनकी परेशानियां बाप ही जानता है इसलिए जब बेटी किसी घर से वापस लौटती है तो बाप की नींद हराम हो जाती है। उसकी नींद हराम हो जाती है उसकी मां की नींद हराम हो जाती है मां बाप ये सोचते हैं चलो हमारी आंखें हैं तो मेरी बेटी है लेकिन कल को मैं नहीं रहूंगा तो इसका क्या होगा हालात हालात, हालात तो हुजूर पाक सासन ने इसीलिए फरमाया कि जो आयशा जो बेटियों की वजह से हालात में आया लेकिन उसने सब्र किया और अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत की और अपनी बेटियों के फिक्र में रहा और उनकी जरूरतों को पूरा किया तो फरमाया कल कयामत के दिन यह बुखारी शरीफ की रिवायत है कल कयामत के दिन वो मेरे इतने करीब रहेगा जितनी कि ये दो उंगलियां करीब है जन्नत के अंदर यानी वो मुझसे बिल्कुल ये मकाम क्यों दिया गया ये मकाम क्यों दिया गया इसलिए कि बेटियों के मकाम को बताना था कि देखो मां बाप पर बेटियों की वजह से जब हालात आते हैं ना तो मां बाप का दिल ही जानता है जिसके घर में इस तरह के मसाइल बिचारों के हो जाते हैं आप उनसे पूछिए कि उनके दिल पर क्या गुजरती होती है उनको क्या सदमात होते हैं या बेटी के जब निकाह नहीं होते हैं तो दिल पर क्या गुजरती है दुनिया जानती है वो वो बाप बेचारा परेशान रहता है इससे कहता 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 है कहता है उस कहता है उससे उससे हर एक से कहता फिरता है मेरे बेटी का निकाह मेरी बेटी का निकाह हो जाए तो बहरहाल ये अल्लाह ताला ने मेरी माए मेरी बहनें मेरी बेटियां अल्लाह ने आपका मकाम बहुत बयान किया हजूर पाक सलाम ने आपका इतना ऊंचा मकाम बयान फरमाया कदम कदम पर आपको सामने रखा गया आपके मकाम को बयान किया गया और आपकी इज्जत को बयान किया गया जिस औरत को इतनी इज्जत नबी ने दी हो और वो औरत अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दें तो ये औरत अपने नबी की बेवफा बनी या नहीं बनी है? हम एहसान करें और आप हमारे साथ बेवफाई का मामला करें तो इससे बढ़कर बेवफा कौन हो सकता है हजूर पाक सलाम तो इतना एहसान फरमा रहे हैं इतना एहसान फरमा रहे हैं कि औरतों के बाद में रिवायत में आता है कि माएँ अपने बच्चों को लेकर के आती थी मस्जिद नब्वी में नमाज पढ़ने के लिए चूंकि हमारी तरह कोई अलग रूम या इस तरह तो था नहीं पहले मर्द होते थे उसके बाद बच्चे होते थे फिर औरतें होती थी और उस जमाने में हजरत औरतों को मस्जिद में इसलिए बुलाते थे ताकि मसाइल सिखाएं शरीय थी ना शुरू शुरू की शुरू में इस्लाम आया था तो अगर औरतें आएगी नहीं तो दीन कैसे सीखेगी इसलिए हजरत ने दीन सिखाने के लिए ईदगाह में भी बुलाया था कि वहां भी तुम आओ ये दीन सिखाने का मसला था तो पीछे औरतें होती थी तो औरतें जो हैं वो छोटे बच्चों को लेकर भी आती थी ऐसी बात है कि साहबा होंगे नहीं घर पे नहीं होंगे उनके वालिद घर पे नहीं होंगे कहीं गए होंगे या मस्जिद में होंगे तो वो औरतें जो हैं दीन सीखने के लिए आती थी नमाज सीखने के लिए तो छोटे बच्चों को लेकर आती है बुखारी शरीफ रिवायत है कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आती पीछे से हमारे हम शरीफ में देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर आते फिर बच्चे रोते हैं वहां तो बच्चे के रोने की आवाज आती पीछे से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं उस आवाज़ को सुनकर अपनी नमाज को मुख्तसर और शॉर्ट कर देता हूं कि उसकी मां परेशान ना हो अब देखिए कितनी रियायत हुजूर पाक सासम ने फरमाई कितनी रियायत फरमाई तो खैर मेरी माए यह मुख्तसर वक्त है वरना मैं आपको बहुत कुरान और हदीस से सुनाता कि आपका एक बहुत बड़ा मकाम है औरतों का बहुत बड़ा मकाम नबी अक्रमली ने दिया है इन औरतों को चाहिए कि अपने उस वक़ार को अपनी इज्जत को बाकी रखे और अपने आप को फ्रीडम के नाम पर इस तहजीब के नाम पर जो तहजीब नहीं है ये तहजीब नहीं है ये ज़िल्लती के रास्ते हैं जिसमें हमारा सतर खुल जाए जिसमें हमारे लिबास सौत हो जाए जिसके अंदर हर पराया हम पर नजर करें यह तहजीब नहीं है ये जिल्लतियां हैं तहजीब तो वो है जो जनाब रसूल ने हमको दी इज्जत के रास्ते वो हैं जो हजूर पाक साजम ने हमको दिए हैं वो हैं इज्जत के रास्ते और ये आप कुर करीम को पल लें सुर तहरीम के अंदर तो अक्त शाह ने कुछ औरतों के वाकत बयान फरमाए रे तहरीम के अंदर कुछ औरतों के वाकयात उसमें फिरौन की बीवी का वाकया भी जिक्र किया तो की बीवी का वाकया मतलब क्या इम्रा, तो फिर जिसका नाम आसिया था वो ईमान ले आई मूसलात तो पर तो अल्लाह तला उनकी तारीफ कर रहा है कुरान में क्या तारीफ, है? क्या तारीफ कर रहा है कि फिरौन ने पहले तो उसको जो है बहुत बहलाया फुसलाया कि तू बादशाह की बीवी है तू मेरी बीवी है तुझे तो इज्जत है तुझे इतनी दौलत है तेरे पास इतना गोल है तू देख ना लोग मुझे सजदा करते हैं लेकिन ईमान आ चुका था वो कैसे छोड़ती उसने मना किया कि नहीं मैं मूसा के रब पर ईमान ला चुकी हूं मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी तो फिर उसने मारना परेशान करना शुरू किया और यहां तक कि उसने हुक्म कर दिया कि फांसी दे दो बीवी को अच्छा उसकी फांसी बड़ी खतरनाक होती थी वह फिर आओ नद मेखों वाला वो कैसे फांसी देता था वो एक लकड़ा यूं सीधा रखता और एक यूं रखता जैसे सलेब की शक्ल होती है ना ऐसे रखता और उस पर जिंदा इंसान को सुला कर खीले मार देता था तो आसिया को नरम नाजुक बदन फिर जिंदगी में यह मुसीबत नहीं देखी होगी जब उसके बदन पर इस तरह पर खीले मारे गए तो उसने अखीर में जो जुमला कहा वो कुरान करीम ने नकल किया रबी ली इंद कब तन जन्ना एल्ला मुझे अब मौत होने वाली है रब बनी ली ये दुआ तो हमें भी नहीं आती हम ये तो कहते जन्नतुल फिरदौस दे लेकिन उन्होंने क्या दुआ की रब बनी ली इंद कब अल्लाह फिरदौस जरूर लेकिन तेरे करीब में जगह देना इन का बई तनफिल जन्ना तेरे करीब में मुझे मकान देना मन मिन फिरओन और अल्लाह फिरौन से नजात दे दे अमली ही और उसके अमला से उनके पुलिसों से जिनी जालिमिन इन जालिमों से तो मुझे नजात दे दे जल्दी मेरी रूह कब्ज कर ले कहीं ऐसा ना हो कि इस मुसीबत के अंदर मेरा ईमान ना चला जाए मैं अक्सर इस वाक्य पर औरतों को यह सुनाता हूं कि फिरौन की बीवी के पास जो गोल जो जेवरात जो इज्जत वो तो आपके पास भी नहीं है है हमारी औरतों के पास जो उसको उसके शोहर को लोग सजदा करते थे रब मानते थे वो फर्श मखमल पर चलती थी लेकिन उसके बावजूद इन सब को छोड़ दिया ईमान नहीं छोड़ा आज हमारी बेटियां जरा जरा सी बात में ईमान छोड़ देती हैं मुलिद बन जाती है इरतदाद में चली जाती है अल्लाह हमारी औरतों की बहुत हिफाजत फरमाए और ईमान पर कायम दायम रखे अल्लाह मसलना हबीबना शफफीना वसल मौलाना महमद मुबारिक वसलम बना तनाफुनिया आखरत हसन वनार अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा हमारे कसूरों से दरगुजर फरमा अल्लाह हमारे रमज़ान को कबूल फ़रमा हमें ताकत और कुव्वत अता फ़रमा हमारी बच्चियों को नेक सालदा जाहिदा बना अल्लाह तेरी यादों में रोने वाली बना अल्लाह तेरे तेरे सामने कुरान पढ़ने वाली बना ला इबादत गुज़ार बना मुसल्ली और नमाज पढ़ने वाली बना अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमा हमारी तरावी को कबूल फरमा हमारी तिलावत को कबूल फ़रमा हमारे सदक़ा तो अतियात को कबूल फ़रमा एल्ला हमेशा हमें तेरे दीन पर चलने की फरमा तमाम तरह के गंदे अफाल से हिफाजत फरमा अच्छे अफाल पर चलने की तोफ़ी फरमा मुबारक शरीयत पर चलने की फरमा शैतानी रास्तों से हिफाजत फरमा मकजूब आलिम में से हमें मत बनाना अल्लाह जालीन में से हमें मत बनाना बल्कि हमें हादी में से बनाना महदी में से बनाना सिरात मस्तकीम वालों में से बनाना तेरी रजा वाले अमाल वालों में से बनाना अल्लाह हम सब की दुआओं को अपना ने फल करम से कबूल फरमा वसल करीम करीब वाहमती तयार डब्ल्यू the reviver of iman